तो दोस्तों काफी समय हो गया, कोई वीडियो नहीं आ पाया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं, बहुत ज्यादा बिजी था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो दोस्तों आज हमारे पास है यहाँ पर ये USB फैन, आप देख सकते हैं दोस्तों ये 5 वोल्ट पर USB फैन चलता है, मोबाइल के चार्जर से आप लोग इसको चला सकते हो और पावर बैंक से। तो दोस्तों मैंने आपको इस पे पिछले वीडियो में इस पर वीडियो बनाकर दिखाया था कि इसको किस तरह से मैंने रिचार्ज बनाया था, बहुत अच्छे तरीके से इसका बैकअप भी था और अच्छे तरीके से ये हवा दे रहा था। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो वायर लगा हुआ था इसके जो पावर देने के लिए USB के, वायर बिल्कुल घटिया क्वालिटी का था, जिसको साथ ही साथ अगर हम इसको थोड़ा सा भी छीलते थे बैटरी से पावर देने के लिए तो वायर तुरंत टूट जाता था, यानी इतना ज्यादा सारा क्वालिटी का, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का था वायर। तो वही चीज़ है दोस्तों, पहले ही टूट गया। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ था वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावर लेता है, और इसके अंदर जब हम बैटरी से पावर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग लेता है, और स्पीड इसका बहुत, इसका मतलब RPM इसका बहुत स्लो है, जिसकी वजह से ये हवा भी बहुत ही कम देता है, इसे नॉर्मल देता है। लेकिन हम दोस्तों आज की इस दुनिया इसके अंदर हम ये हाई स्पीड फैन लगाने वाले हैं, हाई स्पीड DC मोटर। तो दोस्तों आज की इस दुनिया हम इसके अंदर ये हाई स्पीड DC मोटर लगाने वाले हैं। इसका RPM बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ 5 वोल्ट पे ही, जितना वोल्टेज इसमें देना पड़ता है उतना ही दोगे और इसका स्पीड इससे डबल हो जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, तो हवा भी इससे बहुत ज़्यादा तेज देने वाला है। तो इसी चीज़ें हम बेसिकली इस वाला मोटर इसके अंदर लगाने वाले हैं आज के इस दुनिया, और फिर देखने वाले कितना ज़्यादा ये हवा देता है। और इसी के साथ दोस्तों इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके अंदर नॉर्मल वायर लगा हुआ था, कोई डाटा केबल नहीं था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर का USB लगाएंगे, जिसके साथ से हम मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हैं और पावर बैंक से भी चला सकते हैं। तो ये चीज़ें हम बेसिकली इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लेते हैं फटाफट से। उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब इस तरह की वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास सबसे पहले ये फैन, तो इसको हमें खोल लेना है, क्योंकि खोलने के बाद ही इसको हम ठीक कर पाएंगे और इसका मोटर वोटर को निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है इस वाले मोटर को खोलने के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया इसके लॉक को। अब इसको हम मोटर को इस तरह से खोल सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लगा देते हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, इसको लगा देते हैं इससे हम जैसे थे पहले। चलिए लॉक कर दिया अभी, ठीक। तो इसके ऊपर से एक कवर हट जाता है इसका, तो वही चीज़ हम इसके लिए हमें हटाना है, क्योंकि हमें इसके अंदर का काम है, इससे बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो इसको फाइनली खोल लिया कुछ इस तरह से, और इसका बैक कवर भी यहाँ से खोल लेते हैं, जहाँ पर मोटर पर लगा हुआ है। कुछ इस तरह से इसके मैंने यहाँ पर बैक कवर मोटर के पीछे के साइड को खोल लिया कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसके फैन को भी निकाल लेना है, और यहाँ पर ये छोटा सा मोटर इसके अंदर लगा हुआ था, ये है 5 वोल्ट का छोटा सा DC मोटर, जो काफ़ी नॉर्मल था, वैसे पावरफुल तो है लेकिन बस छोटा है, तो इसकी फैन के हिसाब से ठीक था। लेकिन अभी हमें हवा काफ़ी तेज लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर इससे बड़ा मोटर लगाऊंगा। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा ये वाला मोटर बड़ा है, इसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, टॉर्क भी काफ़ी हाई है, और इसका तो बहुत ही नॉर्मल था। तो बेसिकली हम ये वाला मोटर इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि सिंपल इसके ऊपर डाटा केबल लगा देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये डाटा केबल मोबाइल चार्जर का, तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है। इसके अंदर होता है दोस्तों 4 वायर होता है बेसिकली, तो इसके अंदर हमें 2 वायर को कटिंग कर लेना है, ये जो ग्रीन और वाइट वायर है, सफ़ेद वायर, इसको हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये 2 वायर होता है बेसिकली डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, जो फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है उसके अंदर लगा होता है बेसिकली, लगाने के लिए OTG केबल के लिए। बाकी ये 2 वायर तो चार्जिंग के लिए है, तो यही से बेसिकली हमें मोटर चलाने वाले हैं इसको। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर लगा देना है, सोल्डर कर देना है इसके। तो इस पर दोस्तों सोल्डर करने के लिए सबसे पहले पेस्टिंग करना पड़ेगा इस तरह से, ताकि पेस्टिंग होगा तभी सोल्डर हो पाएगा अच्छे से, वरना सोल्डर हो नहीं पाता मजबूत वाला। तो ये इसके अंदर खास बात है जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इसको करने के बाद फालतू जो वायर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वायर, तो इसको कटिंग कर लेते हैं फालतू बढ़े हुए वायर के पीसेस को कुछ इस तरह से। बाकी सारा कुछ ठीक ही है। तो अब मैं जो इस पर फाइनली ये वाला वायर लगा हुआ था इसको निकाल लेना है सिंपली यहाँ से। और सबसे खास बात है गाइस कि जो इसका शेप था ये बिल्कुल इसके हिसाब से बनाया गया था, लेकिन मोटर इसके अंदर यही वाला लगेगा, क्योंकि ये वाला मोटर दोस्तों पहले पता नहीं कंपनी वाले किस तरह से फेक वाले काम करते हैं, फ्रॉड वाला, क्योंकि ये ऑनलाइन मंगाया गया था ना मीशो से, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ्रॉड भी हो जाता है इसके साथ प्रोडक्ट में, मोटर कभी लगा देते हैं कभी फैन दूसरा लगा देते हैं अंदर, तो इसलिए
इस चीज़ें फ्रॉड वाला होता है, लेकिन अब हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी से काम करेगा अच्छे तरीके से, इसकी स्पीड भी होने वाली है। अब मैं USB इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारा मोटर ख़राब ना हो और बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वायर लगाएंगे तो इसके अंदर हम बैटरी भी ज़्यादा बड़ा जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटर ख़राब हो जाएगा। और जब USB रहेगा तो इसके अंदर 5 वोल्ट ही हर मोबाइल चार्जर के अंदर आता है, बस वाट थोड़ा बढ़ाता है तो वाट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बस इसके अंदर वोल्टेज सेम होने वाला है, एम्पियर बढ़ जाएगा तो उतना दिक्कत नहीं होने वाला है। खैर तो अब हमें इसको सिंपल इसके अंदर लगा देना है, इसको इसके अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद इसके अंदर हमें स्क्रू तो लगाना नहीं है, बस इसको टाइट कर देना है, इसको सिंपल से इसके कवर को लगा देना है सिंपली कुछ इस तरह से। और ये बिल्कुल से दोस्तों आप देख सकते हैं फिट हो गया, बिल्कुल से फिक्स हो गया, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गया है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके फैन को लगा देते हैं फाइनली, तो ये भी फिक्स हो जाएगा बड़ा है आसानी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से फिक्स हो गया दोस्तों। तो इतना था इसके अंदर काम करना, बाकी इसका बैक कवर फिर से लगा देते हैं जो फ्रंट कवर था। कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है, तो अब मैं आपको एक बार नॉर्मल टेस्ट करके दिखाता हूँ चलाकर। इसलिए दोस्तों अब मैं जब इसको पावर लगाऊंगा इस वाले चार्जर को सिंपली बोर्ड में, तो इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मोटर जो चलेगा ये थोड़ा सा चलेगा फिर रुकेगा फिर चलेगा, इस तरह से इसको प्रोफेशनली वोल्टेज नहीं मिल पाता है। आप देखना अभी लगाता हूँ इसको, तो USB चार्जर में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने लगा दिया दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मोटर चल रहा है फिर रुक रहा है फिर चल रहा है फिर रुक रहा है, इस तरह से इसका फैन घूम रहा है जिसकी वजह से कंफर्म इसका कंटिन्यूसली नहीं चल पा रहा है, तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इसको निकालेंगे और इसी पावर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, लोडिंग के साथ एम्पियर बराबर दे नहीं पा रहा है इस वाले मोटर को, और जिससे कि ऐसा लगता है कहीं शॉर्ट रहा है जिसकी वजह से पावर रुक रुक कर दे रहा है चार्जर, इसलिए ये कंटिन्यूसली चला नहीं पा रहा है, तो यही इसका प्रॉब्लम हो जाता है चार्जर वाले में। बाकी पावर बैंक से दोगे तो इसका बैटरी का पावर रहता है डायरेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। खैर इसके बारे में कटिंग कर लिया, अब आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ओ भाई साहब आप लोग देख सकते हैं कितना तेज हवा दे रहा है, ओ भाई साहब इसकी आवाज सुनिए आप लोग, तो दोस्तों अब देखना ये हवा दे रहा है इसका सबूत है कि यहाँ पर ये जो पन्नी भी मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कागज़ के टुकड़े कुछ हैं कुछ पन्नी है, तो अभी ये बहुत तेज़ी से उड़ जाएंगे जब मैं इसको बैटरी से पावर दूंगा, सिंगल बैटरी है कोई डबल बैटरी नहीं है बिल्कुल से। और अब मैं इसको पावर देता हूँ, आप लोग देखना ध्यान से यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपल इसको लगा दिया और यहाँ से मैं पावर दूंगा और फिर देखना आप लोग ध्यान से कितना तेज़ हवा दे रहा है। ओ भाई साहब तुरंत गायब हो गया पन्नी, इतना तेज़ हवा दे रहा है और कागज़ के टुकड़े भी उड़ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे खेल दीजिए देख सकते हो आप तुरंत से। और सिर्फ इतना नहीं दोस्तों ये जो गिलास है ना ये भी उड़ जाएगा, रुकने वाला नहीं है इसके हवा के दबाव में, इतना तेज हवा देने वाला बेसिकली। तो अब देखना यहाँ पर ये गिलास देख सकते हैं ये रुकेगा ही नहीं, अगर दूर रखेंगे 1 मीटर दूर तो बिल्कुल से बहुत तेज हवा दे रहा है दोस्तों, और 2 मीटर पर भी हवा लग रहा है एवरेज काम भर का जितना काम हो सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक गिलास उड़ जा रहा है, ओ भाई साहब बिल्कुल उड़ जा रहा है बहुत तेज़ हवा दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है बेसिकली। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।